हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी अक्सर थकान, बेचैनी, चक्कर आना जैसी समस्याएं होती हैं? चेहरे का रंग पीला पड़ रहा है तो ये आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है। तो जान लेते हैं कुछ सबसे असरदार खाए जाने वाली चीजों और घरेलू नुस्खों के बारे में, जिनके नियमित सेवन करने से कम समय में ही खून की कमी को तेजी से पूरा किया जा सकता है। तो अगर डाइट की बात की जाए तो खान पान की ऐसी चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए जिसमें आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक हो। हम सभी जानते हैं कि चुकंदर खाने से या इसका रस पीने से शरीर का खून बढ़ता है, लेकिन चुकंदर में मौजूद आयरन शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सके इसके लिए इसे नींबू के रस के साथ पीना जरूरी है। साथ ही खून में हीमोग्लोबिन का स्तर तेजी से बढ़ाने के लिए चुकंदर से भी ज्यादा फायदेमंद इसके पत्ते होते हैं। इसलिए जब भी चुकंदर खरीदें, इसके पत्ते भी जरूर साथ में लें। सारी चीजों को अच्छी तरह से साफ करके रोजाना सुबह नाश्ते के साथ चुकंदर और उसके पत्तों के जूस में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर इसका सेवन करें। जिन लोगों को खून में कमी की वजह से सिर में भारीपन और लगातार थकान बनी रहती है, उन्हें रोजाना अपने दिन की शुरुआत चुकंदर या चुकंदर के जूस से ही करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी का स्टैमिना और एनर्जी बढ़ाने में ये बहुत लाभकारी होता है और साथ ही इससे ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है। खून की कमी या एनीमिया होने पर ड्राई फ्रूट्स का नियमित सेवन करना चाहिए। ये आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। किशमिश, अंजीर, खजूर, ये तीनों ही शरीर के खून में तेजी से वृद्धि करते हैं और साथ ही थकान, कमजोरी और घबराहट जैसी प्रॉब्लम्स पूरी तरह ठीक होने लगती हैं। रोजाना दिन के समय 4 से 5 किशमिश, 1 अंजीर और 3 से 4 खजूर दूध में भिगोकर रखें और रात को सोने से पहले हल्के गर्म के साथ इनका सेवन करें। ये इतना असरदार है कि आपको पहले हफ्ते से ही शरीर की एनर्जी में फर्क आने लगेगा और धीरे धीरे खून में आई कमी भी पूरी हो जाएगी। व्हीट ग्रास यानी कि गेहूं के ज्वार में आयरन, विटामिन सी, क्लोरोफिल, कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत मात्रा में पाया जाता है। खून की कमी होने पर इसका सेवन करने से शरीर में आयरन और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। इसके साथ ही एनीमिया होने पर आंवले का जूस पीना भी बहुत लाभदायक है। ये विटामिन सी से भरपूर होता है जो कि ना कि सिर्फ खून की वृद्धि करता है बल्कि बालों और त्वचा की सेहत के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। हफ्ते में 3 बार या 1 दिन छोड़कर 30 मिलीलीटर व्हीट ग्रास और 30 मिलीलीटर आंवले के जूस को आपस में मिक्स करके सुबह नाश्ते के साथ सेवन करें। लगातार इसके इस्तेमाल से पहले हफ्ते में ही खून के हीमोग्लोबिन लेवल में तेजी से सुधार आने लगता है। अगर आप खून बढ़ाने के लिए पहले ही बहुत सारी चीजें खा चुके हो तो या तो आपका पाचन कमजोर है जिसके चलते खून बढ़ाने वाली चीजों का भी पूरा लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में रोजाना खाना खाने के आधे घंटे पहले 2 से 3 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब के सिरके का सेवन पानी के साथ मिलाकर करें। एप्पल साइडर विनेगर हमारे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाता है और साथ ही भोजन से आयरन एब्जॉर्ब करने की शक्ति को भी बढ़ाता है। सब कुछ खाने के बाद भी अगर ब्लड हीमोग्लोबिन और आयरन नहीं बढ़ रहा तो अपनी डाइट में जरूर एप्पल साइडर विनेगर को शामिल करें। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ खाए जाने वाली चीजें और घरेलू उपाय जिनकी सहायता से आप अपने लो हीमोग्लोबिन को, एनीमिया की प्रॉब्लम को और लो बीपी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।